थोड़ा आप देने ओके ओके मैम यहाँ देखिए हाँ जी बस क्विक एक साथ में करेंगे कि हाँ जी आज का सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे आपको थैंक यू सो मच सबसे पहला विश आपको किसने किया अगर आपको कुछ याद है अगर आप हमें बता सकें आज का सबसे पहला विश मुझे सच बताऊं तो मेरे फैंस ने किया क्योंकि वो वेट कर रहे होते हैं कि वो 12 बजने वाले हैं 11:59 पे आपके पास मैसेजेस आने लगते हैं कंटिन्यूसली तो वो एक प्यार जो आप लोगों से मिलता है वो ट्रिमेंडस है मतलब वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता एक्सप्लेन नहीं कर सकता फ्रेम नहीं कर सकता इट्स जस्ट दैट हेवनली है वो जिसके लिए मैं क्रेव करता हूँ जिसके लिए मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ जैसा कि आपके घर वाले यहाँ पे प्रेजेंट आपकी भाभी हैं और भी घर वाले मेरी भाभी हैं मेरी मम्मा हैं घर वालों का बर्थडे के दिन क्या कुछ स्पेसिफिक प्लान होता है नहीं ये एक्चुअली सच बताऊँ तो एक सरप्राइज़ था मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी भाभी और मेरी मम्मी आने वाली हैं बट उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया मेरा घर बहुत ही प्यार से डेकोरेट करवाया एंड वो सरप्राइज़ मैं मतलब अभी तक उससे बाहर नहीं आ पाया हूँ क्योंकि हर किसी के लिए माँ सबसे करीब होती है हर बच्चे के लिए माँ भगवान की तरह होती है मेरे लिए भगवान ही है और भगवान खुद आ गए आपके बर्थडे पे और क्या चाहिए लाइफ में फैंस आपको इतना ढेर सारा प्यार देते हैं बर्थडे के जरिए कुछ उन्हें कहना चाहेंगे जी मैं अपने बर्थडे पे कहना चाहूँगा कि मेरे बहुत सारे फैंस हैं जो मतलब मैं आपकी सबके फ़ोटोज़ देखता हूँ जो आप लोग केक काट रहे हैं मेरे लिए और मेरे कुछ फैंस हैं जो सब लोग मिलके मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं यार आप लोग कितने अच्छे हैं आई लव यू मैं बहुत प्यार करता हूँ आप लोगों से और आप लोग जो मुझे प्यार करते हैं मैं उसका रिस्पॉन्स दे नहीं पाता हूँ इसलिए इस जरिए से इस मीडियम से मैं आप लोगों को कन्वे करना चाहता हूँ कि जेन्युइनली फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई लव यू और मैं डेफिनेटली आपको ज़िंदगी भर एंटरटेन करता रहूँगा नो मैटर वॉट थैंक यू सो मच गुड लक श्योर अच्छा लगता है हालांकि सिर्फ दो सीन्स थे पर फिर भी मुझे पिंकी के नाम से बुलाते हैं फिर भी मुझे कमेंट्स आते हैं घपा घप एंड ऑल ऑफ दैट तो मुझे मुझे इतना फनी लगता है कि दैट्स द पावर ऑफ फिल्म्स यू नो दैट्स द पावर ऑफ अ ब्लॉकबस्टर फिल्म एंड मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही लकी हूँ कि मैं राजकुमार हिरानी के साथ मैंने काम किया है एंड आई एम अ पार्ट ऑफ सच अ बिग कैंप So I hope that in future I get to work with Raju sir again. Hopefully, fingers crossed. बिल्कुल रेनी सीजन में बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि कपड़े खराब ना हो तो आई एम वेरिंग कंफर्टेबल BCBG ब्लैक आउटफिट थैंक यू बस इतना ही कहना चाहूँगा पर्ल हैप्पी बर्थडे आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिम के अलावा हम कहीं और मिल रहे हैं एंड स्पेशली क्लब्स में मिल रहे हैं बिकॉज हम दोनों डाइट कॉन्शियस हैं सो ना वो ज़्यादा ऐसे पार्टीज में मिलता है ना मैं मिलता हूँ तो आज हम दोनों यू नो थोड़े से रिलैक्स मूड में मस्ती करने वाले हैं एंड इट्स गोना बी गुड फन उसके साथ साथ बहुत सारे उसके दोस्त और हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं सो इट्स गोना बी लॉट ऑफ फन एंड सेलिब्रेशन आई विश हिम लक हैप्पीनेस एंड अ ग्रेट फ्यूचर फिट एंड अपने आपको काफ़ी मेंटेन करके रखते हैं तो कैसे देखते हैं आप इनको इस तरह से जब आप फिट एंड हैंडसम लुक में नज़र आते हैं
ये अच्छा खिला के मैं नहीं अच्छी लगती यही फिट है क्या मैं आपके पास भी आऊंगा लेकिन पहले इनका कमेंट कुछ अगर आप अरे ये अच्छा खिलाती है तभी तो हम फिट रह पाते हैं ये अच्छा नहीं खिलाएंगी तो फैन में कैसे रहेगा एंड में तो किचन तो यही चलाती है ना तो फिर मैं जब अच्छा डाइट वाला खाना ये देंगी तभी तो हम फिट रह पाएंगे सो मेरा जितना भी यू नो फिटनेस जो दिखती है वो इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है नहीं आज मेरे को अपना रात अच्छी बनानी है इसलिए थोड़ा करना पड़ा थैंक यू पर को यही कहना चाहेंगे कि बार बार ये दिन आए बार बार ये दिल गाए तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो एक लाख हजार एक लाख She is wearing a nice green dress and he's wearing nice denim very casual denim कुछ आप लोग ऐसे डिसाइड करते हैं कि आपको ये वेयर करना है आपको ये वेयर करना है ये पहनना है ऐसे बातें करते हैं आप लोग किसी भी पार्टी में जाते नहीं तैयार होके पूछते कैसी लग रही हूं अप्रूवल बस यही है अप्रूवल मेरे को तो वो भी नहीं मिलता है आई डोंट नो लाइक हां ठीक है जो भी पहन लो आज की शाम कितने जाने वाले हैं पार्टी हम तो बस वेट कर रहे हैं कि हम अंदर जाएं We're really excited. We're very happy for him. Actually, we wish him great health because काफी fitness में डूबा रहता है लड़का हमारा. छोटे भाई जैसा हो गया है. And बहुत ही sweet सा लड़का है. बहुत ही genuine लड़का है. And we wish him all the success in the world. Yes. Thank you. कुछ नहीं चूल्हे में जाए ऐसी तैसी कराए फालतू का मैं थका हुआ था फालतू खाना पड़ गया मुझे यहाँ पे बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे लड़का आई विश हिम ऑल द बेस्ट अरे वो उसको पता मैं कैसा हूँ और उसको पता है कि वो मेरे लिए क्या है आई विश पर्ल ऑल द वेरी बेस्ट बहुत ही प्यारा मेरा भाई है और मैं यही चाहूँगा कि जैसा वो है वो हमेशा जीवन में वैसे ही रहे और जितना प्यारा है जितना दिल का साफ है वो हमेशा वैसे ही रहे और जितनी आज तरक्की कर रहा है उससे 100 गुना ज़्यादा तरक्की करे यार मैं हम लोगों में पर्ल को मैं बहुत समय से जानता हूँ मेरा भाई है और कुछ लोग होते हैं जो दोस्त होते हैं कुछ होते हैं जो वर्क फ्रेंड्स होते हैं और कुछ होते हैं जो परिवार होते हैं पर्ल उनमें से एक है और ही इज़ वेरी वेरी डेडिकेटेड ही इज़ वेरी कमिटेड टू हिज वर्क ऑल्सो टू बॉडी ऑल्सो तो बहुत जिम में लगा रहता है और बहुत मेहनत करता है और हम लोग जब भी साथ में टाइम मिल पाता है कि एक हम लोग का कोऑर्डिनेट हो पाता है कि हम लोग सेम टाइम पे जिम पे पहुँचें तो मैं तो थोड़ा सा मस्तीखोर आदमी हूँ लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही इज़ ऑल द टाइम वर्किंग वेरी हार्ड और मैं खुद बहुत फिटनेस को मानता हूँ और मैं आई एम अ वेरी रेगुलर पर्सन हु गोज़ टू द जिम एवरी डे सो या यू शुड ऑलवेज बी हेल्दी इज़ वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम एवरीबडी जो भी मुझे देख रहे हैं मैं यही बोलूँगा कि सब लोग बहुत अच्छा अच्छा खाएँ है ना
स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। मुझे लगता है शीला की जवानी एक ऐसा बिल्कुल यूनिक होगी ना कि जो नहीं आई थिंक मेरा आजकल बहुत ज़्यादा बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग्स हैं, लेकिन एक वो है ना गाना आजकल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है कि नहीं 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 यार जिसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, आई थिंक मैं और पॉल हम लोग उसी में डांस करेंगे आज, है ना। थैंक यू सो मच। आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। यार इज़ अ वेरी स्वीट चैप, मुझे हर दूसरे दिन जिम में मिलता है, आज अगर मैं नहीं आता मुझे मार देता वो। काफ़ी फिटनेस पर ध्यान रखते हैं आप भी? जी 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 जी। कैसे मेंटेन रखते हैं आप लोग अपने आप? जिम जाकर खाना कंट्रोल करके, एंड एक्चुअली मैं आजकल बहुत खा रहा हूँ तो, बट या आई थिंक थैंक्स टू आवर पेरेंट्स फॉर गुड जीन्स। अभी अभी जाकर मैं खाकर आपको बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी बस पर्ल को तहे दिल से आई विश हिम ऑल द बेस्ट, और वो जो भी चाहे भगवान उसकी सारी इच्छाएं पूरी करें। हाँ मैं एक्चुअली आज ही वापस आई बॉम्बे, और हमारी फ़्लाइट बहुत कंटिन्यूसली डिले होती जा रही थी, और सब बोल रहे थे इससे अच्छा तुम आओ ही मत, तुम वहीं रहो, बट स्टिल आई हैड टू मेक इट फॉर हिज बर्थडे। तो जी आपको बहुत जल्द पता चलेगा, प्रॉब्ली इस मंथ एंड तक पता चल जाएगा आपको। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, जस्ट कीप वेटिंग, स्टे ट्यून्ड एंड यू विल गेट टू नो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रुक जा, वो दिल दीवाने। अरे रोल कर सर, उधर सर, पीछे से आप बोल सकते हैं सर, करिए आप लोग आ करिए। हां तुम लोग लाइट नहीं चालू करते। या
बंद हो गया मतलब बैटरी उठ गया करिए भाई क्या सर अभी इधर राइट में नहीं हुआ ये कैसा फोन है